देश के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामला काफी जोरों शोरों पर हंगामा हुआ, जिसको लेकर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान थे और सड़क जाम हड़ताल तक कर बैठे थे। जी हाँ, ये इस बार के हुए नीट एग्जाम में काफी बड़ी धांधली देखने को मिली है और परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। आपको बता दें कि ये मामला सीबीआई देख रहा था, सीबीआई में इसकी जांच चल रही थी और अब सीबीआई ने इसकी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को सभी 13 आरोपियों पटना हाईकोर्ट की रिमांड मिलने के बाद सीबीआई शनिवार की सुबह बेउर जेल पहुंची है और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने दफ्तर लेकर चली गई है। सीबीआई दफ्तर में टीम के सदस्य सभी आरोपियों से 1-to-1 पूछताछ करेंगे। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने हाईकोर्ट से 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया था। आरोपियों की 15 दिन की रिमांड मिलने के बाद शनिवार की सुबह सीबीआई की टीम बेउर जेल पहुंची और सभी आरोपियों को बस से लेकर पटना स्थित सीबीआई दफ्तर ले गई है। सीबीआई को जिन 13 आरोपियों की रिमांड मिली है उसमें नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र, आयुष कुमार उर्फ आयुष, बिट्टी कुमार, अमित आनंद, आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अवधेश कुमार, शिवनंदन कुमार और रीना कुमारी शामिल है। सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी। बीते गुरुवार को सीबीआई की गिरफ्त में आए रॉकी समेत अन्य आरोपियों से भी उनका सामना होगा। कुछ दिन पहले भी सीबीआई की टीम ने बेउर जेल में पहुंचकर सभी आरोपियों से बारी बारी पूछताछ की थी। सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई की और आरोपियों को 15 दिनों की रिमांड सीबीआई को दे दी थी। आपको बता दें कि देश का चर्चित नीट पेपर लीक मामला से लोग काफ़ी परेशान हुए, बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि उनका कहना था कि हम 2400 घंटा बैठकर पढ़ाई करते हैं और परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। पटना में भी ये मामला आर्थिक अपराध इकाई देख रहा था, लेकिन उसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई जो है वो अब तेज कर दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।